हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। मुझे जाना था कहीं और मेरा तो जुती गया टूट। तो चलो जुगाड़ बताती हूँ कैसे करना है। मुझे 5 रुपये का मैंने ले लिया फेविक्विक और इसकी हेल्प से मैं आज अपने जुत्ती को टक करने वाली हूँ, चिपका दूँगी और फिर मैं पहन करके चली जाऊँगी मुझे जहाँ भी जाना है। क्योंकि मैंने फ़िलहाल ये 2 जूती ख़रीदा है और इसको मैंने यूज़ कर लिया, एक जूती रखा हुआ नया नया, बट इसको अभी मैं यूज़ कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लिया, सॉक्स ये सब के साथ में पहन ली थी। ऐसे तो मेरा जो नेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, और उसके साथ मैंने मोटा वाला सॉक्स पहन लिया, उसके बाद जूती पहन लिया। अब जूती का क्या हाल होगा, वो बर्दाश्त कर नहीं पाया और गया टूट। अब टूट गया तो मैंने इसमें लगा दिया फेविक्विक और फेविक्विक लगा करके मैंने इसको चिपका दिया कुछ इस तरीके से। एक साइड का ही बस उखड़ा था तो उसको मैंने चिपका दिया और अब मैं इसको पहन करके चली जाऊंगी मुझे जहाँ भी जाना होगा। और मैंने सॉक्स वेयर नहीं किया हुआ है क्योंकि सॉक्स पहनने से ही मेरा जूती टूट गया था, एक साइड का पूरा निकल गया था, क्योंकि सॉक्स पहनने के बाद क्या होता है ना कि टाइट हो जाता है। और ये जूती था 8 नंबर का, 8 या 9 नंबर का था, शायद 9 नंबर का था, 41 लिखा हुआ था उस पर, और फिर भी वो टूट गया। तो फिर और ये एक फुटवियर है, इसको भी मैं फेविक्विक की हेल्प से भी चिपकाने वाली हूँ। यदि कोई भी फुटवियर ऐसे निकल जाता है तो मैं फेविक्विक से ही चिपका लेती हूँ और वो चिपक भी जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मोची के पास जाओ, वहाँ 60 रुपये आप दोगे या 80 रुपये दोगे ना तब वो सिल देता है, पूरा सिल देता है, लेकिन 60 रुपये या 80 रुपये लग जाएगा आपका। और यहाँ पे मैं सिर्फ 5 रुपये में अपना काम बनाने वाली हूँ, 5 रुपये का फेविक्विक ही सिर्फ लगाना है और फुटवेयर को मैं चिपका दूँगी और कहीं भी आने जाने के लिए ये अच्छा हो जाएगा, इसको 60 रुपये बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक और फेविक्विक ले लिया है क्योंकि वो फुटवेयर जो जूती है उसको चिपकाया था मैंने कुछ दिन पहले ही, और उसके बाद फिर मैं गई थी तो फिर वो निकल गया था क्योंकि मैं जल्दबाजी में थी और वो सूखा नहीं। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि फेविक्विक लगाना है, उसके बाद इसको सूखने देना है, जब ये सूख जाए उसके बाद फिर इसको पहनना है, पहन करके कहीं भी जाना है तभी जाए, ऐसे नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं दोनों फुटवेयर निकाल दी हूँ, जूती भी फिर से चिपकाऊँगी और ये वाला जो फ्लैट फुटवेयर है मेरा, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया बट ये ना मैं वॉशिंग मशीन में डाल दी थी और ये गया टूट। बहुत सारा शूज़ फुटवेयर बहुत सारा था ना, तो सारा मैं वॉशिंग मशीन में डाल दी थी, गंदा हो गया था, मेरी मम्मी डाल दी थी वो सारा, स्लीपर ये सब, जूता ये सब सब डाल रही थी, तो मेरा वाला भी डाल दी और हमको बाद में पता चला, और तब तक इसका काम हो गया तमाम। ये देखो इसका एक साइड से यहाँ से निकल गया था तो यहाँ पे मैंने फेविक्विक लगा करके और यहाँ पे एक साइड से मैंने इसको चिपका दिया और ये आगे से भी पूरा उखड़ गया था, ये वॉशिंग मशीन में धोने की वजह से ये उखड़ गया, नहीं तो ये फुटवेयर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसको जब पहनते ना, ये ट्रांसपेरेंट है ना ऊपर से, तो बहुत कोई बोलते हैं कि तुम फुटवेयर पहनी ही नहीं हो, पहनी ही नहीं हो, लगता है कि ऊपर से फुटवेयर पहने ही नहीं है और फ्लैट है भी। बच्चा लोग देखते हैं तो बोलते हैं बुआ आपने नहीं पहना है फुटवेयर, आप कैसे चल रहे हो, आप खाली पैर क्यों चल रहे हो। तो मैंने बोला मैं पहनी हूँ, मेरा स्टाइलिश फुटवेयर है ना इसीलिए ऐसा दिख रहा है। दोनों फुटवेयर का निकल गया था, एक एक साइड का और फ्रंट का भी निकल गया था, तो मैं दोनों साइड से इसको चिपका लूँगी। इस जूती में मैं फिर से फेविक्विक लगाऊंगी और इसको चिपकाऊंगी क्योंकि ये फिर से उखड़ गया था। जल्दी जल्दी मैं चल चल करके मैं कहीं गई और फिर ये निकल गया, तो फिर मैं इसको चिपका दी। इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी कर लिया था, विंटर का दिन था तो सॉक्स के साथ ही पहनती ना, और लॉन्ग नेल्स के चलते ये बार बार निकल जा रहा था, और इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी कर लिया था, सॉक्स के साथ ही मैं इसको वेयर कर रही थी इसीलिए निकल गया। देखो मेरे नेल्स काफ़ी ज़्यादा लंबे भी हो गए हैं, कटिंग करना है। नेल पेंट अप्लाइंग का वीडियो भी मैं नहीं लेकर के आ रही हूँ, ठंडा के चलते मैं वीडियो ही नहीं बना रही हूँ। अभी मैंने अपना हैवी वाला पायल पहना हुआ है और मैं जूती पहन करके दिखा रही हूँ आप सभी को। देखो एक साइड से ही निकल जा रहा है, यहाँ पे फिर से फेविक्विक दे करके चिपका दे रही हूँ। ये देखो काफ़ी प्यारा जूती है, मैंने मीशो से ख़रीदा था। इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, आप सभी ने देखा भी है, वो मैंने सॉक्स के साथ पहन करके भी दिखाया ही था। ये वाला जूती, इसका एक जूती वाला सिर्फ निकल गया था, दोनों जूती का नहीं निकला था, एक जूती का निकल गया था एक साइड का पूरा। ये वाला तो सही है, ये जूती सही है, एक निकल गया था बट वो अच्छे से चिपक गया,
पर फिर से मैं जब सॉक्स पहन करके कहीं जाती हूँ ना तो फिर से वो निकल जाता है, तो लगता है कि मुझे सिलाना पड़ेगा। बट कोई नहीं, कोई ना कोई खरीद ही लेगा, क्योंकि ये मेरा यूज्ड जूती है। और एक और जो फ्लैट फुटवियर है वो मेरा यूज्ड फुटवियर है, बाकी सारा मेरा यहाँ पे है ही नहीं। बाकी जो भी है मेरा फुटवियर यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। वो जो नया नया मैंने ख़रीदा है अभी वो बचा है, बस एक ब्लैक कलर का फ्लैट फुटवियर बचा, ये भी अभी मेरे पास नहीं है। अब बस एक फ्लैट जो अभी मैं चिपका करके दिखाई आप सभी को वो है मेरे पास। देखो मेरे ख़तरनाक वाले नेल्स, इन बड़ा बड़ा नेल्स के कारण ना क्या होता है कि आगे से जुत्ती में मेरा सारा नेल्स भी दब जाता है, और सॉक्स पहन लेते तो और ज़्यादा मोटा हो जाता है। 9 नंबर का है ना ये जुत्ती, फिर भी दिक्कत होता है। 10 नंबर का रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन मेरा साइज़ का मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगने लगता है कभी कभी। दुकान जब जाते और मिलता ही नहीं है तब। इस जुत्ती में मेरा फुटवेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, सब कोई तारीफ़ करता है ये जुत्ती का। ये जुत्ती का कलर भी अच्छा है, साड़ी लेगिंग्स जीन्स किसी के साथ भी इस जुत्ती को पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल अभी मेरे पास ये वाला फ्लैट फुटवेयर है जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। इसको बहुत बहुत महीनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत टाइम हो गया। तो जैसे यूज़ करती थी ना तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, जैसे इसको समर के टाइम पे ज़्यादा मैंने यूज़ किया। अभी विंटर के टाइम पे सॉक्स के साथ मैं जूती ही अधिकतर पहन लेती हूँ। अभी एक और विंटर में पहनने वाला जूती है, वो एक यूज्ड जूती है मेरे पास जिसको मैं दिन भर घर में ठूसे रखती हूँ, वो वाला जूती है। ये फुटवेयर है जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ जब सॉक्स वेयर नहीं करना होता तब। इसमें मेरे नेल्स को कोई दिक्कत नहीं होता, कोई भी दिक्कत नहीं होता। ये देखो मेरे नेल्स आसानी से सांस ले पा रहे हैं, और जुत्ती में तो बेचारों का दम घुटने लगता है। ये देखो ये चिपक गया, और मैं इसको पहन करके अच्छे से चल भी पा रही हूँ। ये फुटवियर अच्छे से चिपक गया है, मैं इसको अच्छे से पहन करके चल पा रही हूँ। ये फ्लैट फुटवियर है और इसमें मेरे नेल्स को भी कोई दिक्कत नहीं होता है, आरामदायक है मेरे नेल्स के लिए। और मतलब फ्लैट भी है तो, और मेरा हाइट लंबा है तो मुझे हील्स की ज़रूरत भी नहीं है। पहन करके चल करके तुरंत मैं दिखा दे रही हूँ। थोड़ा देर मैंने इसको धूप में सुखाया था, सूख गया था, और ये अच्छे से चिपक गया है। देखो ये जूती अच्छे से चिपक गया है, यदि ये नहीं चिपकता तो साइड वाला निकल जाता, क्योंकि साइड वाला ही निकल गया था ना वॉशिंग मशीन में धोने से, और ऊपर वाला भी निकल गया था। तो ऊपर वाला भी अच्छे से चिपक गया, मैंने पहन करके चल करके दिखा दिया। तो कोई भी फुटवेयर टूटा हुआ है तो आप उसको फेविक्विक से चिपका करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय। क्या आपको भी मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।